आप ये देखिए कितना करारा क्रिस्पी। कोई कह सकता है कि ये हमने घर में बनाया है? सॉल्टेड रोस्टेड सिंगदाना बनके तैयार है। फाइनली सिंगदाना बनके देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है और कितना क्रिस्पी एंड क्रंची बना है ये आपको इसकी आवाज से पता चल रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंग दाने की रेसिपी, जिसको आप कई बार बाहर से लेकर खाते हैं। तो इसको आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चुटकी में सिर्फ नमक और मूंगफली से घर पे बिल्कुल इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया, ये मैंने मूंगफली ली है, ये मैं कच्ची मूंगफली का यूज कर रही हूँ। 250 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर ये मूंगफली लिया। देखिए, मेरे जो मूंगफली के दाने हैं ये बड़े बड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आपको कहीं भी किसी भी स्टोर पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे एक कटोरी मैंने लिया है नमक। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके का मैंने एक बड़ा सा एक बाउल लिया है और बाउल में मैं यूज कर रही हूँ 2 चम्मच पानी। 2 ही चम्मच में पानी यूज कर रही हूँ इसमें सिर्फ, और ये मैं नॉर्मल पानी यूज कर रही हूँ, कोई मैं इसमें ठंडा पानी यूज नहीं कर रही हूँ। और हल्का मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है इसमें, और इस नमक को हमें क्या करना है, घोल लेना अच्छे से इसको पानी में, ऐसे बिल्कुल इसको घोल लेना प्रॉपर तरीके से। अब नमक देखिए पानी में मेरा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल घुल गया है, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हमारा बाद में भी घुल जाएगा। अब इसी में जो ये मैंने मूंगफली ली थी ना, कच्ची मूंगफली जो ली है, उनको भी मैं इसी में डाल दूंगी और इसको आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये पानी में और ये नमक है ना, ये हमारी मूंगफली में अच्छे से लग जाए और मूंगफली हल्की सी हमारी फूल जाए। अगर आपको यहाँ पर पानी कम लगेगा तो आप इसमें थोड़ा पानी और यूज कर सकते हैं। नमक और मूंगफली को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको तकरीबन 20 मिनट के आसपास हम लोग ढक के रख देंगे, ताकि नमक मूंगफली के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाए। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इस मूंगफली को हम इस प्लेट से ढक देंगे, ताकि ये हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और देखते हैं हमारी मूंगफली अच्छे से भीगी है या नहीं भीगी है। देखिए यहाँ पे जो मूंगफली है, यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी सी फूल गई हैं, अच्छे से बिल्कुल भीग गई हैं, थोड़ी सी ये मोटी भी हो गई हैं और भीग के अच्छे से बिल्कुल फूल के तैयार हो गई हैं। तो ये जो हमने जो मूंगफली को ये भिगोया था, तो इसको मैं एक छलनी में छान लेती हूँ। अब मैं इस मूंगफली को इसमें छान लेती हूँ, ताकि इसमें जो हमारा थोड़ा बहुत भी बचा हुआ पानी हो वो इसमें से निकल जाए। तो इसको हम कुछ देर के लिए इस तरीके से ऐसे रख देंगे, ताकि जो पानी हो वो हमारा अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक मोटी तलवे की कढ़ाई ली है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा जो उसका तलवा है ना, मोटा ही होना चाहिए आपका। और इसमें मैंने एक कटोरी के आसपास लिया है नमक, और नमक थोड़ा मेरा देखिए गर्म हो गया, इसकी हीट आ रही है नमक की। और इसी में जो यहाँ पे मैंने मूंगफली को छाना था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमें इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, अच्छे से बिल्कुल ऐसे चलाते रहना है जब तक हमारी मूंगफली अच्छे से ना भून जाए। तो इसको ऐसे चलाते रहिएगा और अभी देखिएगा थोड़ी देर में मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से बिल्कुल चलाएंगे, और यहाँ पर आप फ्लेम का जरूर याद रखिएगा कि फ्लेम आपको थोड़ा लो ही रखना है। ये नहीं कि आप मूंगफली इसमें डालकर चले जाएं, इसको चलाते रहना कंटिन्यू आपको। इसको ओवरऑल इसको आपको भूनने में मूंगफली को अच्छे से बिल्कुल 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा। अब सिंग दाने का देखिए कलर धीरे धीरे चेंज होने लग गया है, और इसका ना धीरे धीरे छिलका भी उतरने लग गया है। अगर आपके पास जैसे बालू रेत वगैरह भी होती है, अगर वो है तो आप उसमें भी इसको भून सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट नमकीन्स उनके टेस्ट मिलेंगे। सिंग दाना भी काफी जगह पे फेमस है, जैसे अहमदाबाद, MP, बिहार, डिफरेंट राज्यों में आपको डिफरेंट टाइप का सिंग दाना खाने को मिल जाएगा। वैसे इस सिंग दाने को लोग सर्दियों में, गर्मियों में चाय और कॉफी के साथ काफी पसंद करते हैं। तो आप भी इस सिंग दाने को जरूर बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। तो अब इसमें हल्का हल्का हमारा बिल्कुल ब्राउन कलर आने लग गया है फाइनली। बस 1 से 2 सेकंड हम इसको और हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद सिंग दाना हमारा बन के रेडी हो जाएगा। सिंग दाना मेरा अच्छे से बिल्कुल रोस्ट हो गया है, और मैं आपको उसको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका देखिए छिलका बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल उतर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से मेरा रोस्ट हो गया है। तो आइए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं छान के। अब इसको इस छलनी की हेल्प से ऐसे बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसका जो नमक है वो नीचे रहे, सिर्फ मूंगफली मूंगफली ही
हमारी ऊपर पर, और इसको मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। बच्चे में नमक को आप जब ठंडा हो जाए तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दे, ताकि जब कभी आप पिज्जा बनाए, बिस्किट्स बनाए, तो आप उसमें इसको इजीली यूज कर। अब फाइनली हमारा सिंघदाना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी आवाज देखिए कितनी परफेक्ट आ रही है, आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा कि सिंघदाना कितना परफेक्ट बन रहा है। तो अब बाजार से खाने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से गर्मा गर्म घर में बनाए और चाय के साथ इंजॉय करें। छिलका मैं आपको इसका उतार के दिखाती हूँ। छिलका देखिए बिल्कुल प्रॉपर इजी तरीके से मेरा उतर रहा है, तो इसको आप इजी तरीके से उतार के और इसको इंजॉय करिए। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है और इस सिंघदाने को मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि ये जो मेरे सिंघदाना है ये बहुत दिन तक चले और बिल्कुल भी सीले ना। तो आप लोग भी किसी एयर टाइट कंटेनर में इनको जरूर डालें और इनको रख के आराम से इनको काफी दिन तक स्टोर करके आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली सिंघदाना बन के देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, और कितना क्रिस्पी एंड क्रंची बना है ये आपको इसकी आवाज से पता चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने आपको बताया कि घर पे बहुत इजी तरीके से आप कैसे सिंघदाने को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, कोई आपको मेहनत नहीं लगेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।